रही, कभी रियायत की बात कर रही है, तो वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे। युवा सड़क पे है तो अपोजिशन पार्टी स्पेशली मैं आरजेडी और आपकी भूमिका पूछूंगी, क्योंकि बिहार में ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है एक, और दूसरा जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है, ट्रेनें नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, लोगों ने सरकार के सामने बातें रख दी हैं और इस बिल में भी लगता है दो बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है, दो तीन बार जो है अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है। क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या युवाओं के मांग है, द गवर्नमेंट इज अवेयर। आप उस पॉइंट पे आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई क्लैरिटी सी नहीं दिया, कोई टेक्निकल सवाल जो आज हमने पूछा उसका हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, और पूरी हमें विश्वास है कि आप जवाब लेकर के आएंगे। लेकिन ताजुब होता है कि आप जब केंद्र मिनिस्टर राजवर्धन राठौर जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सेना में वो सर्विस भी दे चुके हैं, मेरा जहाँ तक मानना है कुछ दिन उन्होंने पहले वीडियो बनाया था कि ये योजना जो है बहुत ही सफल है, बहुत ही अच्छा है, हमको लगता है कि उन पे थोपा गया। जो बीजेपी हेडक्वार्टर से दिया जाता है वो काम वही करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। एक मैसेज डाल दिया जाता है, भैया आपको ये कंटेंट बोलना है, आप ये बोलिएगा। उसमें क्या बोला उन्होंने, 12 लाख, 4 साल में कोई युवा इस देश में 12 लाख कमा सकता है? वो देश के लिए वो जान देने जा रहा है, वो युवा सर्विस देने जा रहा है, भारत माता की रक्षा कर रहा है, और आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ा कृपा कर रहे हैं उसको 12 लाख देने का। हम तो कहते चले जाए कोई बीजेपी का नेता बॉर्डर पे चला जाए, हम लोग भी उसको 24 लाख रुपए देंगे, जाकर के दिखाए। ये क्या भद्दा मजाक है? तो हमको जहां तक लगता है राठौर जी को ऊपर से जो ऑर्डर आया वो उसका पालन कर रहे हैं। शुड वी कॉल ऑफ नाउ? नहीं, ही हैज क्वेश्चन। यशवी जी, नीतीश कुमार जी से आजकल कहा जाता है कि पॉलिटिकल रिकॉर्ड आपका अच्छा सुधर रहा है, क्या सीधी टेक लीड एंड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस इशू? नहीं, दिस इज अ इररिलेवेंट क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं इस सवाल का। आप ही लोग सवाल पूछे कि डिफरेंसेस हैं उनमें, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बातें जो हैं वो तो सबके सामने हैं ही, क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बात करना चाहिए। अरे देश के जो नौजवान हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप हर राज्यों से एक डेलीगेशन मंगा लीजिए उनका, उनसे बात कर लिया, सरकार अपना प्रतिनिधि जहां जहां ट्रेनिंग होते हैं, जहां जहां तैयारियां होती हैं वहां भेज दे, लोगों से बात कर ले। सर, क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगी? इनका सवाल था, नहीं नहीं, इनका सवाल था। देखिए, आप तो एक सवाल पूछ चुके हैं, तो प्लीज इधर एक सवाल आप लीजिए। अशोक सर, कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि 4 साल वैकेंसी, 4 साल में वैकेंसीज निकालो और रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर हमला बोलो, क्या आपको लगता है कि ऐसे वैकेंसीज निकालकर रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रही है सरकार? आरएसएस का तो हिडन एजेंडा है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं आरएसएस का क्या हिडन एजेंडा है। और रेलवे में अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, हर चीज को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो रहा है। और जहां तक ठेकेदारी प्रथा से ये काम किया जा रहा है तो इस पे सवाल तो उठता है, अगर सरकार इस पे स्पष्टीकरण देना चाहती है तो दे दे। थैंक यू सर। इज देयर अ डेडलाइन टू दिस 20 क्वेश्चंस? ये ऐड हो जाएगा 21 नहीं, डेडलाइन इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट आंसर।